पहले तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है, थोड़ा सा नहीं, काफी हाई फीवर हो गया है, बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए। हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये। बहुत ही एक्साइटेड है। दैट्स ट्रू। बहुत एक्साइटेड है, नर्वस है, एवरीथिंग। एंक्शियस है। हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है। देखी नहीं है इसीलिए, बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है। बहुत है। अब तक जो भी कुछ आया लोगों ने बहुत प्यार दिया, एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। जफर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे जिंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये। ये बोलते हैं जफर की बोली है बंदूक की गोली, तो जफर का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे, होप वी कैन ऑल। आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट। वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए। ही इज डन सम रियली ग्रूलिंग थिंग्स फॉर दिस फिल्म। फॉर एग्जाम्पल कारगिल ही शॉट इन -2 डिग्रीज, शर्टलेस सीन he's done, saying his dialogues, एक bullfight किया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको, तो आई एम श्योर इट विल ऑल पे ऑफ। All been so positive actually, बहुत ही positive reaction feedback मिला है, ना सिर्फ industry के लोगों से, but you know इतने सारे जो fans हैं, इतने सारे लोग जो movies के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है, एंड जो grandeur, जो मतलब magnificence है जो trailer में दिख रहा है, I think वो बहुत time से नहीं देखा है, so it's all been really really positive। बहुत लोगों के, industry के लोगों के messages भी आए हैं, calls भी आए हैं, and everyone's really excited, तो हमारी excitement भी बढ़ रही है उसी वजह से। But I think कलंक एक ऐसी फिल्म है where more than the industry, हम सब चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए पहले। इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए, बट दैट इज़ समथिंग विच यू नो, एक जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है, पूरे देश के लिए बनाई है, बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है, सो वी हैव आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म। इट इज़ आई थिंक जिस तरह के द विजन द डायरेक्टर हैड, द वे ही वॉन्टेड टू माउंट द फिल्म, इट रिक्वायर्ड अ सर्टन एक्सटेंडेड बजट विच प्रॉब्ली वी यू नो डिड नॉट हैव अर्लियर, बट आई ऑल्सो फील लाइक दैट्स वाई इट्स अ वेरी बिग कास्ट, इट्स यू नो देर आर लॉट ऑफ अदर एक्टर्स, you know, all the actors coming together, and it's not just the four of us, even apart from Madhuri ma'am and Sanjay Dutt, you know, we also have Kunal Khemu in the film, we also have Kiara in the film, all the actors are coming together to create this world, because I think everybody was very inspired by the director's vision. To hum usi ke saath chal rahe, and you know sometimes when you have to kind of mount that scale, you do require that sort of budget. I think because he's very passionate about it. And there's no badnaami in this. I think it's nahi, in fact it comes very naturally to him. Wo marketing enjoy karta hai, and I think he's got a very positive energy, and he tries to you know, it's a very positive way he markets all his films, and he's just excited for the audience to go and see them, and that translates. And that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted. हाँ? I think he's gifted when it comes to marketing, and बहुत कम लोगों को वो foresight होता है कि एक फिल्म को कैसे पेश किया जाए, जिस तरह से वो एक मजेदार तरीके से सबका interest correct तो you know बांध के रखता है. I think that's very very nice. Varun, we are sorry. we are very proud of you. Thank you. You all four have been like, you all four have done many good movies and with big stars, but this time you are doing a multi-starer film, and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt. यू नो, एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकेंड फिल्म,
इज़ अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है. जो प्राइमरी स्टारकास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ वी फो आपके सामने है. ऑब्वियसली दर माधुरी मैम एंड संजय सर हुआ लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट वी फो आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स. एंड आई थिंक अभी तक हम में से कोई भी सुपरस्टार नहीं बने. ऑब्वियसली आई थिंक सोनाक्षी इज़ हैड वेरी वेरी बिग हिट्स ऑब्वियसली, बट नो ऑब्वियसली यू हैव यू बीन पार्ट ऑफ वेरी बिग फिल्म्स, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली टुगेदर दिस इज ऑल आर करियर्स बिगेस्ट फिल्म इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ स्केल. तो एक तरीके से एज यंग एक्टर्स दिस इज प्रेशर ऑन ऑल आर शोल्डर्स दैट वी हैव टू डिलीवर नाउ एंड वी हैव टू शोकेस दैट वी कैन बी पार्ट ऑफ मैग्नम ओपसेस. हम लोग भी वो डिलीवर कर सकते हैं, ऑडियंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड विद अ यंग डायरेक्टर. ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ने भी 5-6 फिल्म बना ली है, इट्स हिज सेकेंड फिल्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड हीरो फिल्म का हमेशा डायरेक्टर ही रहता है, उसका विजन है. सो दिस इज, और अभिषेक ज़्यादा बोलते नहीं है, बट होपफुली आफ्टर कलंक यू ऑल विल नो द नेम अभिषेक वर्मा. सर अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो. डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी. सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाई. बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को यू नो आइडलाइज, हैव सो मच आइडलाइज किया है. करेक्ट, हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आई एम यू नो आई हैव डन अ फिल्म विथ हर इन माई लाइफ टाइम, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्म विथ हर इज़ अ कम्प्लीट ऑनर. Well, I think as Sona said, every actor, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. Yeah. And it was very, very encouraging for me to have her present there, actually smiling at me, and actually supporting me, you know, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learned a lot from in my life. वेल पहले तो एक रिलीफ महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं डांस कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई, क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. तो देन आई गॉट कन्फ्यूज के व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वॉज ग्रेटफुल टू बी ऑनेस्ट. ये अपॉर्चुनिटी आई हैड टू कुड ओनली थैंक अभिषेक, दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ए वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड ऑल्सो शेयर दिस iconic moment with Madhuri ma'am, you know, in a song like this. Okay, so जिस तरीके से हमने आपको काफी अलग-अलग तरीके के किरदार में देखा है, चाहे वो राजी हो, इसका होता है, तो and now कलक ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो प्ले करना चाहते हैं? I'm sure ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो, पर मैं तो लेखक नहीं हूँ, तो I don't know. They'll have to come to me. But I'm sure there are so many, you know, amazing right now. Like the world is our oyster. Like anything, there's such different kind of films being made. So yeah, there's so many more opportunities. The soundtrack is a complete album after a long time, and it's original album. Yeah, it's an original soundtrack, it's an OST, and it doesn't seem to be relying on promotional tracks. So something about the music of the film and your individual favorite songs. I think the music is amazing. Yeah, keeping, it's very unique. Keeping in terms like where we are set in the 1940s. बहुत रियल स्कोर रिकॉर्ड किया है प्रीतम सर ने. अरिजीत संग टू अमेजिंग सॉन्ग्स जो टाइटल ट्रैक है, एंड फर्स्ट क्लास. आई थिंक इवन श्रेया घोषाल द्वेशी संग घर मोरे परदेसी एंड तबाह हो गए इज अनबिलीवेबल. ऑल्सो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑल द सिंगर्स, द प्रोग्रामर्स, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य. आई थिंक बहुत वक्त के बाद एक ओरिजिनल एल्बम आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए, कि ऑब्वियसली एक ट्रेंड है रीमिक्सेस का जो चलते हैं, और चलना चाहिए उसको भी, बट एट द सेम टाइम ओरिजिनल म्यूज़िक को भी रहना चाहिए. और अब हमारी एल्बम चल रही है, अगर आप देखो इन ऑल द चार्ट्स 1, 2, 3 ऑल द सॉन्ग्स हैव पिक्ड अप, विच इज़ अमेजिंग, यू नो. एंड इट्स अ म्यूजिकल फिल्म आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हमारी फिल्में इसके लिए जाने जाते हैं कि हम लोग म्यूज़िक और डांस के साथ बहुत अच्छा करते हैं, और कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा बहुत नई चीज़ें भी कर रहे हैं, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा गढ़ है, वो म्यूज़िक और डांस हमेशा से रहा है, बिकॉज वी डू दिस बेटर देन द वेस्ट. सो दैट्स व्हाट्स गोइंग टू कम योर वे. यू गोना सी अ कंप्लीट हिंदी फिल्म फॉर एवरीवन. इतना डिफिकल्ट है दबंग की शूटिंग कर रहे हैं, जो लुक काफी पॉपुलर हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप,
दोनों चीजें प्रमोशन करना कलंका और बार-बार यहां, तो दोनों चीजें कैसे बैलेंस कर रही हो? आई थिंक मैं ये स्टाइल ऑफ वर्किंग पे वापस जा रही हूँ. मैं कुछ साल पहले यही करती थी, एक फिल्म की शूट होती थी, दूसरी की प्रमोशन होती थी. बहुत टाइम के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड फीलिंग. बिजी रहना चाहिए एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए. दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कलंक इज़ माय लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years. तो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल. तो जब आप किसी चीज़ को इतना यू लव व्हाट यू आर डूइंग, तो वो काम नहीं लगता. इट्स पैशन. बहुत अच्छा, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कलंक के बारे में. ये काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि यू राइट, आई हैव नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. पहली बात तो ये कि एक पीरियड फिल्म है, दैट्स अ फिल्म, आई हैव नेवर डन अ पीरियड फिल्म बिफोर. तो उस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल था. आई ट्राई टू डू एज मच रिसर्च एज आई कुड. काफ़ी फिल्में देखी पुरानी, किताबें पढ़े. माई कैरेक्टर्स, हमारी फिल्म जो है 1940s में सेट है और उस टाइम की पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा कंसर्न है, और मेरा कैरेक्टर उस टाइम की पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड था. तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था मैंने, बिकॉज आई हैड टू फील समवॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्लेइंग दिस कैरेक्टर. आई हैड टू डू ऑल ऑफ दैट एंड स्टिल आई नेवर फेल्ट प्रिपेयर्ड. एंड आई थिंक एज एन एक्टर वो एक अच्छा फीलिंग है जब आप अनश्योर हो आपके काम को लेके, व्हेन यू आर नॉट श्योर वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग और नॉट. एंड दैट्स द फीलिंग आई हैड थ्रू आउट दिस फिल्म. आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल है. एक तरफा प्यार जो होता है, जहाँ आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, यू कान बी विद दैट पर्सन, यू नो वी नो दैट. बट कभी कभी प्यार दोनों तरफ से होता है एंड बोथ पीपल लव ईच अदर एंड दे स्टिल कान बी विद ईच अदर. सो वो ये सब जो चीज़ें होती है आई थिंक मेक वेरी इंटरेस्टिंग. ये सिचुएशंस आज के टाइम में होता है. इटर्नल लव डज, पहले जब ये प्रश्न मेरे को पूछा था तो इवन आई वाज थिंकिंग, बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज वी रीड, यू नो, होल डे वी कीप रीडिंग इन द पेपर, यू हियर ऑफ लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते यार आजकल. और हमेशा करते रहेंगे, बिकॉज दैट इज वॉट मेक्स अस ह्यूमन. एंड आई थिंक लव इज लव. हमारा ये जो इटर्नल मींस व्हाट, फॉरएवर, लाइक अंटिल दैट यू, the day that you are alive forever and ever, even after you are probably dead and gone. But jab aap pyar karte ho to aap pyar karte ho, then there's no thing of mai kam, 10% kam, 20% zyada. In your heart or in your life, when you feel true love, it always feels like eternal love. Aur har character, this word eternal love, I think ye har character ke sath linked hai. कहीं ना कहीं ये हर कैरेक्टर के साथ इट मेक सेंस. हर कैरेक्टर का प्यार अलग है फिल्म में, और हर कैरेक्टर एक अलग जर्नी का एक अलग स्ट्रगल है फिल्म में. एंड बट इट ऑल कल्मिनेट्स इनटू इटर्नल लव एट द एंड ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन, आप सारे फर्स्ट क्लास मोमेंट्स जानना चाहेंगे ड्यूरिंग द शूट. फर्स्ट क्लास मोमेंट वरुण, और मेरा फर्स्ट क्लास मोमेंट अपने सुबह के 4:30 बजे शुरू होता था. जब शूटिंग पैकअप होता था एंड वी वुड, हम लोग जाते थे होटल और फोन पे, हम लोग 4:30 बजे तो पैकअप नहीं होता था, मतलब 4:30 बजे हम लोग ऑर्डर कर लेते थे. लट्टू के सेट पे तो होता, लट्टू खैरा पे होता अपना. हां, हम लोग रोज पैकअप के बाद हम लोग फ्राइड अंडा, सॉसेजेस, ब्रेड बटर, कोको पॉप्स खाते थे, साथ में खाते थे. आदि इधर बैठते थे, मैं इधर, साथ में खाते थे और फिर निकलते थे. हम लोग ने ब्रेकफास्ट बहुत किया साथ, बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा किया. हाँ, ये फिल्म आई डोंट आई थिंक honestly dancing with dancing in front of mom. I think yeah, I think my ghar more pardes a moment to be my most first class. My first class moment was this film only, I think. Okay.